हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो गैस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़, नीट यूजी 2022 और 23 जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो गैस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीट यूजी 2022 में कुछ एडमिशन्स जो है रद्द कर दिए गए हैं। जो स्टूडेंट्स नीट परीक्षा में क्वालिफाई नहीं हुए थे उनका भी एडमिशन हुआ था, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं नीट यूजी एडमिशन में जो घोटाला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो घोटाला हुआ है वो यूपी स्टेट में हुआ है, और गाइस कुछ कॉलेजेस की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले जो नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का एक साल में ही सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दो तीन चार साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स के लिए, जो उनको कॉलेज चाहिए वो कॉलेज लेने के लिए। लेकिन बीच में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स फर्जीवाड़ा करके एडमिशन ले लेते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई तक नहीं होते नीट के एग्जाम में, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी को पता है बहुत ही कम एनटीए के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं, और वो नंबर भी वो नहीं ला पाते, आफ्टर दैट उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मतलब जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, इतने सालों से लगे पड़े हैं, उनकी मेहनत पर ऐसे पानी फिर जाता है। अब देखा जाए तो नीट यूजी 2022 के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, और पकड़ने की वजह से सबसे ज़्यादा जो ये स्कैम हुआ है ये यूपी स्टेट के अंदर हुआ है, और यूपी स्टेट के कुछ कॉलेजेस की जो मान्यता है वो रद्द भी की गई है। उससे रिलेटेड वीडियो मैं एक और बना दूंगी, ताकि आपको क्लियर कट हो जाए किन किन कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई है, ताकि आप जो है उन कॉलेजेस में एडमिशन ना लें। अब देखिए गाइज, जो 2022 में अब आयुष कोर्सेज में कुछ स्टूडेंट्स पकड़े गए, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, और इनके पकड़ने की वजह से अब जो है ये जांच के आदेश दे दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कि पीछे के सालों में 2018, 2019, 20 और 21, इन 5 सालों में जिन जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं, एक बार उन सभी को वापस से खंगाला जाए और देखा जाए कि किसी का एडमिशन किसी ऐसे घोटाले से तो नहीं हुआ है, फर्जीवाड़े से तो नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तक जो स्टूडेंट्स ने है वो फर्जी लगा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा अब माना जा रहा है कि अब इनकी जो है चेकिंग होगी, और पीछे के जो स्टूडेंट्स हैं जिनने ऐसा कुछ किया है वो स्टूडेंट्स भी अब पकड़े जाएंगे, और उनका भी अगर उनका कोर्स भी कम्प्लीट हो गया होगा, आफ्टर दैट उनका जो सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो गाइज, अभी जो है मामले का पूरा ब्यौरा सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत 800 प्लस स्टूडेंट्स जो है अब तक पकड़े जा चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा घोटाला हुआ है, और जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स थे उनका एडमिशन नहीं हुआ, जिस वजह से ये स्टूडेंट जो है पकड़े गए हैं। तो गाइस, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। अगर देखा जाए इवन जो नीट एग्जाम में क्वालिफाई तक नहीं हुए उनका एडमिशन हो गया, और जिनके काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स आए उनका एडमिशन तक नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी एसटीएफ ने जांच की मांग की है, और पिछले जितने भी साल है उन सब की जांच होगी। तो जो भी स्टूडेंट फर्जीवाड़े के थ्रू जिनका भी एडमिशन हुआ है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से खंगाले जाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक होने वाले हैं, और जो भी स्टूडेंट्स पकड़े जाएंगे उन सभी का रद्द कर दिया जाएगा। इवन जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उस कॉलेज की भी मान्यता को रद्द करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपको घबराना नहीं है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।